जय हिंद दोस्तों। सोच आपकी और हमारी सोच, आज इस कहानी के माध्यम से आपके बहुत एक अच्छी सीख मिलने वाली है। क्या होता है कि जैसे कि हम कहीं जाते हैं, हम और कपड़े पहने हैं तो सामने वाली की सोच कुछ और अलग रहेगी, और हम यदि सूट पहन कर जाएंगे तो उसकी सोच कुछ अलग रहेगी। इस सोच के तौर पर हम सामने वाले को जज कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। ये जीवन में दोस्तों एक कहानी मैं अपनी बताने वाला हूँ। मैं जब राजस्थान से छोड़कर आया कंपनी और इंदौर आया, तो इंदौर में एक सेंटर पे मैं कंप्यूटर पढ़ाने के लिए, ऑटोकैड डिजाइनिंग पढ़ाने के लिए वहां जाता हूं। तो वहां पर एक हेल्थ हाइट मोटी मैडम, जो खुद तो इतनी मोटी थी, लेकिन मेरे से बोल रही थी, बोले आपसे बात हुई थी अभिनंदन जी, आप हैं? मैंने कहा यस मैम मैं हूँ। आपका रिज्यूम दिखाएंगे? मैंने अपना रिज्यूम, बायोडाटा, सरकम बीटा, BA, BBC दिखाया, CB दिखाया। और वहां जाके मैडम बोलती, बोले सर हमारे यहाँ BBTech वाले बच्चे आते हैं, काफी बड़े बड़े बच्चे आते हैं और इंग्लिश मीडियम से आते हैं। मैंने कहा मैम कोर्स हिंदी में नहीं है, कोर्स तो इंग्लिश में है और इंग्लिश में मैं पढ़ा सकता हूँ। नहीं सर, उसके लिए थोड़ा सा इंटरव्यू हुआ, सारी बातें हुई, आखिरी में मैडम बोलती सर उसके लिए थोड़ी हेल्थ हाइट है। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा मैडम मेरे को आपसे शादी थोड़ा ना करनी है, जो मेरे को हेल्थ हाइट की जरूरत है, मेरे को आपसे शादी नहीं करनी है, जो हेल्थ हाइट की जरूरत है। मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, यदि मैं अच्छा ना पढ़ाऊँ तो आप मेरे को निकाल दीजिए। आपने डेमो लिया नहीं और मेरे को देखकर बोल दिया, बोले उसके लिए हेल्थ हाइट की जरूरत है, तो यहाँ कहीं लिखा है कि आपको अच्छी हेल्थ हाइट चाहिए है तब जाकर आप पढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये घटना मेरे साथ भी हो चुकी है, लेकिन कभी जीवन में जज करें नहीं। खंडवा में 4-4 कोचिंग चला चुके हैं, नर्मदापुरम में बहुत अच्छी कोचिंग चल रही है, तो कभी किसी को जज करें नहीं। आज वो मैडम वहां पर काम कर रही थी, मैं उस मैडम को जब भी जाना होगा तो बताऊंगा, मैडम आप वहां काम कर रहे आया था, लेकिन आपने आपकी छोटी बुद्धि, आपकी सोच की वजह से क्या बोल दिया कि सर आप नहीं पढ़ा सकते, आपकी हेल्थ हाइट सही नहीं। तो कभी जो दोस्तों जीवन में किसी को जज नहीं करना है, उसकी हेल्थ हाइट से, उसकी कपड़ों से, उसकी उसके कार से जरूर जज करिए कि इतना अच्छा कार कर रहा है, उसकी इतनी अच्छी सोच है, तो ये सबसे बड़ा है। भले ही वो रोड पे बैठा हो, गरीब हो, कुछ भी हो, लेकिन यदि सोच उसकी अच्छी है तो वो अरब पतियों से भी अच्छा है। और यदि अरब पति भी है और उसकी सोच एकदम घटिया है, जिसको बात करने का तरीका नहीं अपने वर्करों से, लोगों से, तो बिल्कुल वो बेकार है। कभी किसी को जज नहीं करना है, उसके साथ रहिए, उसको समझिए, उसको जानिए, उसके बारे में पता करिए कि भैया ये है कौन। हमने बोल दिया, बोले वो इतने गंदे कपड़े पहनकर बैठा, ए ज्ञानी बैठो भैया हूँ बैठी, और वही कोई सूट वूट वाला आएगा, बोले उसके लिए जगह दे देंगे, पता चला वो सब बड़ा भिखारी निकला और आपकी जगह लूट ली और आपको सीट से भगा दिया। तो इसलिए कभी जज नहीं करना है, जज उसके कार से होना चाहिए, उसके कपड़ों से, उसकी पढ़ाई से, उसके दिखावे से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये कहानी हमको एक बहुत बड़ी सीख देती है कि जीवन में, कभी भी जीवन में किसी को भी उसके पहनावे और उसकी पढ़ाई से कभी जज नहीं करना है। हमेशा मुस्कुराते रहना है और अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और धूम मचानी है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, मुस्कुराते रहिए।